और जोरदार ताली बजाओ। क्या बात है, ठीक है। अब थोड़ा किशोर दा की तरफ मुड़ते हैं वापस। वैसे ये ट्रेन की आवाज है, किशोर दा वैसे क्लासिकल सीखे हुए नहीं थे, वो काफी लोगों को मालूम है, लेकिन सब गाने अपने अंदाज में गाते थे। और एस डी बर्मन साहब उनके बहुत कदर करते थे, बिकॉज एस डी बर्मन उन्हें गाने अपने तरीके से समझाते थे और किशोर दा उसको अपनी तरह गाते थे, इम्प्रोवाइज करके गाते थे। ऐसा एक गीत बहुत पहले बना था, इतना रूप तेरा मस्तान, और मैं लेकिन वो नहीं सुना रहा हूँ आपके सामने। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऐसा ही एक गीत, खिलते हैं गुलियां, जो फिल्म शर्मिली से हमने ली है, तो उम्मीद है आप ये गाना भी पसंद करेंगे। तो खिलते हैं गुलियां फिल्म शर्मिली।